न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्र सरकार द्वारा पेश हुए 2023 और 2024 के बजट को लेकर फतेहपुर के कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि बजट में गरीबी, किसान, महिला, युवा और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के हितों समेत सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा में भी खास बजट बढ़ाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया है कि यह बजट 2019 के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। 2014 के ही से लेकर प्रतिवर्ष हर विभागों में बजट की बढ़ोतरी हुई है और इस बार के बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है और विपक्ष को भी कोई मुद्दा नहीं मिला। 2019 के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट था। 2014 से लेकर के प्रतिवर्ष हर विभाग में बजट की बढ़ोतरी हुई है और इस बार के बजट में तो मैं कह सकती हूँ कि विपक्ष को भी कोई मुद्दा नहीं मिला, क्योंकि इस बार के बजट में सबको छुआ गया है। एक लोग मांग थी लोगों की कम से कम 7 लाख तक के लोगों की टैक्स को छूट दी जाए, उसमें भी छूट दी गई है और उसके ऊपर भी टैक्स भरने वालों को भी छूट दी गई है। यदि 50 भरता था तो उसको भी कम किया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है जहां के ही थाना पिसावा क्षेत्र अंतर्गत ही साजापुरा गांव में 8 माह पूर्व एक व्यक्ति की शराब के नशे में छत से गिरकर मौत हो गई थी और जिसके बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया था और लेकिन वहीं परिवार के लोग इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज ही कराकर एक व्यक्ति को झूठा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं आपको बताते चले कि इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत पत्र देकर SSP से न्याय की गुहार लगाई है। SSP अलीगढ़ ने जांच के लिए ही संबंधित थाने को निर्देशित किया है। CO के यहाँ इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है सर, जिसमें अभी बात चल रही है। तो क्या शासन मिला यहाँ? यही सर कि हमें इस झूठे मुकदमे से निकाला जाए और निष्पक्ष जांच करी जाए सर इस मुकदमे के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन है। आज SSP ऑफिस क्यों आए हो? हमारे ऊपर झूठा मुकदमा इकबाल खान डारे CO के यहाँ दे आए। किस तरीके का झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है हमारे जमाई की मृत्यु हो गई थी 9 महीना पहले। पीलीभीत से खबर है जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और लगातार अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश अनुसार पुलिस भी अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम डांग से ग्राम निसरा को जाने वाले रास्ते से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से 1 किलो 890 ग्राम अफीम और अभियुक्त के पास से 1 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। मुर्गी सहित दुकान को आग के हवाले किया गया है। दरअसल पूरा मामला देवरिया जनपद के सुरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत फुलवरियाकरण का है, जहां फुलवरियाकरण के निवासी शकील अहमद ने कहा है कि मेरे दुकान में आग लगाने वाला अमन गुप्ता है, वहीं बार बार मुझे धमकी देते थे कि मैं तुम्हारा दुकान जला दूंगा। और उन्होंने बताया है कि जब भी मुर्गा खरीदने आते थे तो पैसा भी कम देते थे। अपने दुकान जलने की सूचना पुलिस को दे दी गई थी और जिसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और कार्रवाई नहीं होने से शकील अहमद ने शुक्रवार को ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने ही जल्द कार्रवाई करने का भी अब आश्वासन दिया है। समस्या है आपकी? वो हमारी दुकान पे आते थे चिकन लेने, हमसे चिकन ज्यादा लेते थे, पैसा कम देते थे और जब बोलता था तो बोलते थे कि तुम भी चाहते हो क्या तुम्हारी मुर्गियां जला दे, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, होली के पहले तुम्हारी हम गुमती जला देंगे और वो हमारी गुमती जला दिए। कौन? अमन गुप्ता। कहाँ कराने वाले हैं? फुलवरियाकरण। कब की घटना है ये? 21 तारीख का सुबह का घटना है, 2:30 बजे का। किस बात को लेकर विवाद बढ़ा था? यही चिकन के बारे में। आज आप कहाँ आए? SSP कार्यालय पे आए हैं। क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं कि इसका मैं कार्रवाई करूँगा।
कहाँ का रहने वाले हैं आप? फुलवरिया करण। नाम? मोहम्मद शकील अहमद। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने फुरकान की हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल सालिम और ईशा मोहम्मद को जनपद सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना रामपुर क्षेत्र के जुनहेटी गाड़ा का है, जहां पर दो दिन पहले 22 फरवरी को एक शव मिला था और जिसकी पहचान फुरकान निवासी जुनहेटी गाड़ा थाना रामपुर क्षेत्र के रूप में हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया गया है कि जांच में ही चश्मदीद और आसपास के लोगों द्वारा दो नाम सामने आए, जिसमें यह बात निकल कर सामने आई है कि सालिम, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, और उसने एक अन्य युवक ईशा मोहम्मद के साथ मिलकर यह हत्या की है, और जिसके बाद से ही पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद अब इन दोनों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। चौकी क्षेत्र में जो थाना रामपुर मनिहारन में आता है, वहां पर फुरकान की गला काटकर हत्या की गई थी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी, तफ्तीश स्टार्ट करी थी। उसमें आई विटनेस के बयानों पर और आसपास के लोगों को देखने के बयानों पर पता चला था कि सालिम नाम का एक युवक है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने इस घटना को एक दूसरे लड़के ईसा मोहम्मद उसके साथ इसको अंजाम दिया था। तो पुलिस दो दिन से लगी हुई थी, कल इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो तो उसी दिन घटनास्थल से बरामद हो गया था। एक सब्जी काटने वाला चाकू था जो घटनास्थल पर बरामद हो गया था, और आज इन दोनों अभियुक्तों को रिमांड लेकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हरदोई की कचहरी परिसर में अब बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता बंदरों से परेशान है और लगातार प्रशासन से इनसे निपटने के लिए मांग कर रहे हैं। हरदोई के कलेक्ट्रेट में मौजूद कचहरी में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन वकील और इसके साथ ही बता दें आपको, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। दोपहर बाद तो वकीलों की तीन शेड में ही नीचे उत्पाद मचाते हैं और कई बार वकीलों की फाइलों को लेकर भाग जाते हैं और उन्हें फाड़ भी देते हैं। वकीलों का सीटों पर बैठना बंदरों ने मुश्किल कर दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि बंदरों को पकड़कर कोर्ट परिसर से कहीं दूर छोड़ा जाए। कहा कि बंदरों के खतरे ने ही कचहरी में आने वाली जनता को भी त्रस्त पहुंचाया है और बंदर यहाँ आम लोगों को परेशान करते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गंभीर चोटें और कीमती सामान का नुकसान भी हो रहा है। अधिवक्ताओं ने बंदरों को समस्या से निजात दिलाने की भी मांग की है। मामला है बंदरों का, बहुत बुरी तरीके से आतंक है। हमको, हमारे वकील और जो है क्लाइंट मुवक्किल, इनको बैठना मुश्किल किए हैं। मजेदार बात यह है कि जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये डीएम साहब के जस्ट अपोजिट है, फिर भी इस पर जो है कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई जो है ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सारे पेड़ हैं, तमाम बंदर सुबह से शाम तक यहाँ पर वकीलों की फाइलें ले जाना, उनका उपयोग की वस्तुएं उठा ले जाना, कभी इस बैग फाड़ देना, ये सब बंदरों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस संबंध में हम अधिवक्ताओं ने कई बार शिकायतें भी की। यहाँ पे कचहरी में बहुत दिन से बंदरों का आतंक है। वो कभी सामान उठा ले जाते हैं वकीलों का, कभी कागज फाड़ देते हैं, और इसकी शिकायत कई बार की गई, वन विभाग में भी की गई, कहा गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्नाव के आसीवन क्षेत्र के बरौंकी गांव से खबर है, जहां पर बेखौफ दबंग पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला पर डीजल डाला है। दरअसल बुजुर्ग महिला की जमीन पर पड़ोसी कब्जा करना चाहते थे और बुजुर्ग महिला ने दबंगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मारपीट कर डीजल डालकर जलाने का भी आरोप लगाया गया है और जिसका वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। वहीं माँ बेटे ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि कोई उसके माँ के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया है। उस वीडियो की जब गहराई से जांच की गई तो आसीवन थाना क्षेत्र के गांव का है, जिसमें दो पक्षों में जमीन का विवाद है। उसी विवाद में खुद बेटे ने अपने माँ के ऊपर तेल डाल करके दबाव बनाने का प्रयास किया है। इसकी और गहराई से जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। काशगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के हजारा नहर से 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को नहर से बाहर निकाला और शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं रेप के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास में अधिकारियों की लापरवाही के चलते यूपी के शाहजहांपुर से बड़े गोलमाल का मामला सामने आया है। पीएम आवास में अधिकारियों की मनमानी और धांधली के चलते सैकड़ों ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास को लेकर धरना दिया है और इसके साथ ही जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पीएम आवास दिलाए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ परियोजना निर्देशक ने बताया है कि पीएम आवास हुई धांधलेबाजी को लेकर पूरे जिले के 30 गांवों में पीएम आवास की दोबारा जांच कराई जा रही है। जो अपात्र पाए जाएंगे उनसे पैसों की रिकवरी भी की जाएगी। जांच आख्या आई है, जांच अधिकारी ने अपात्र शब्द नहीं लिखा है, उनकी घर की स्थिति लिखी है और उसमें जो भी पक्के मकान वाले होंगे उनके कटेंगे और जो पात्र हैं उनको आवास मिलेगा। पूरे जिले में ऐसे कितने लोग हैं जो अपात्र या जिनकी जांच चल रही है आवास पहली किस्त मिलने के बाद? नहीं, पहली किस्त भी मिली है लोगों को और जो नहीं मिली थी तब से जांच चल रही है, लेकिन जांच प्रक्रिया अलग है, उसके अनुसार कम से कम 30 गांव में जांच चल रही है। उसमें फर्स्ट किस्त जाने के पहले ही कुछ गांवों की जांच हो गई थी तो उनको हटा दिया गया। क्या नाम है आपका और ये जो आपके साथ में ग्रामीण आए हैं किस ग्राम पंचायत से, क्या समस्या है? हमारा नाम रमनपाल सिंह है, मैं ग्राम प्रधान हूँ। हमारे साथ 29 लोग आए हुए हैं, इनके 29 लोगों के आवास जो है बगैर जांच बगैर पहली किस्त पड़ने के बाद ऐसे ही अपात कर दिए गए और ग्राम पंचायत शहर पुरिया है। अच्छा, तो मेरा नाम गीता देवी। ये बताइए कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या है? शेरपुर कुर्रिया से आए हैं। क्या दिक्कत? दिक्कत ये है, आवास हमारे लोगों के सब सही हो गए थे, फिर उसमें पहले सर्वे हुई, सर्वे के बाद में एक किस्त आई और किस्त आने के बाद में हम लोगों ने काम चालू किया, बस किस्त हम लोगों की रुक गई, दूसरी आई नहीं। कासगंज से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन कासगंज का सर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधन चंद्रवीर रमन ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने स्टेशन पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं को काफी बारीकी से परखा है। और वहीं महाप्रबंधक के निरीक्षण के दौरान ही इज्जत घर मंडल की ही DRM सहित रेलवे के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आज आपने इंस्पेक्शन किया है कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन का, क्या रहा और क्या आपने कमियां पाई हैं, क्या निर्देश दिए हैं पूरा क्या? देखिए, कासगंज जो स्टेशन है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है, यहाँ में जो जितने सुविधाएं हैं पैसेंजर एमिनिटीज हैं उसका निरीक्षण किया। जनरली जो है यहाँ का जो सभी फैसिलिटीज है सब ठीक है, बट हमेशा हम कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, इसके बहुत सारी चीजें इम्प्रूव किया जा सकता है। बट आपको जानकर खुशी होगी, इस स्टेशन को हम लोग अमृत भारत स्टेशन के अंदर चुना है, इससे बहुत सारी सुविधाएं ऐड की जाएगी, उसका भी हम डिस्कशन कर रहे थे अपने ऑफिसर से, डिवीजन के ऑफिसर से। और ये सब चीज़ हम जैसे कि आपका है आउटसाइड फसाद एरिया है, जो आपके टॉयलेट रहेंगे, जो आपके लाइटिंग सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है, ये सब चीज़ उसमें को इम्प्रूव किया। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा ने बताया है कि व्यापार मंडल के गठन को पूरे 50 साल पूरे हो गए हैं। ये 50 साल व्यापारी के स्वाभिमान और इतिहास को अपने में समेटे हुए हैं। रेलवे रोड पर मौजूद व्यापार भवन में पत्रकारों से ही वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में बड़े उल्लास और इसके साथ ही उत्साह के साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया है। जो बैठक हुई है उसके बारे में आज यहाँ एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ आगामी 13 मार्च में सोमवार को सहारनपुर से होना है। ये यात्रा का शुभारंभ सहारनपुर से होगा और पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा जाएगी, व्यापारियों को जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि 50 वर्ष का इतिहास हमारा जो है उसमें एकता भी है, संघर्ष भी है, आंदोलन भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है, शहादत भी है। हरदोई के स्वायजपुर में सर्राफा दुकान में सेंध लगाकर सोने चांदी के जेवर और इसके साथ ही नकदी चोरी हो गई है। इसका पता होते ही वहां हड़कंप मच गया और मेन मार्केट में हुई इस तरह की वारदात की खबर सुनते ही इलाके के लोग पुलिस वहां पर इसके साथ ही बता दे सूचना पर पहुंची है और साथ ही फॉरेंसिक टीम एक पहल की छानबीन कर रही है। एक चोरी की घटना हुई, कहां घटना हुई, क्या मामला, क्या जानकारी? स्वायजपुर कस्बे घटना है,
जैसा रमेश कुमार पांडे जो वादी हैं, उन्हीं की दुकान है एक सराफा की, उनका ये कहना था कि रात में गत रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा इनका रोशनदान एक बाई एक का है उससे काट के और उनका 900 ग्राम चांदी और लगभग 500 ग्राम सोना चोर ले गए। उनसे प्रार्थना पत्र लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है, इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल से खबर है जहां एसडीएम के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा है और एसडीएम पर पूर्व प्रधान को 3 घंटे कस्टडी में रखने और किसानों से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए 2 गांव के सैकड़ों किसानों ने भाकियों के नेतृत्व में ही एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया है। धरने पर बैठे किसानों ने उच्च अधिकारियों से एसडीएम संभल और हल्का दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आप लोग एसडीएम कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, क्या विषय है? आज हमारा जो विषय है भारतीय किसान असली की ओर से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। कल एसडीएम संभल बरवाड़ा गांव में गए थे, वहां पर जो टंकी बनाई जा रही गांव गांव उसमें पाइपलाइन डाली जा रही है गांव में रास्ता खोद के, तो वहां जो गांव वालों ने विरोध किया था और केवल इतना कहा था कि हम ये चाहते हैं कि ये दिखा दो हमें मानक के अनुरूप काम होना चाहिए। मेरा नाम राजवीर सिंह है। कौन से गाँव से हैं? मैं गाँव बड़ा ताजुद्दीन से हूँ। ये बताइए कि आप एसडीएम कार्यालय पे अपना ज्ञापन दिया था एसडीएम संभल को, क्या विषय है आपका? देखिए विषय है जून 2021 में गांव-गांव से जो है ये जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की टंकियां लग रही हैं ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए थे, उसमें इनकी कंडीशन थी कि कहीं सबसे पहले कि गांव का सीवर तालाब का पानी ना जाता हो, ऐसा कोई तालाब का गाटा ना हो, उसके नज़दीक का गाटा ना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए दूसरा बात रखा गया इनकी तरफ से कि भी वहाँ एक आने जाने की एक सुलभ रास्ता हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास हमारी ग्राम पंचायत में बड़ा ताजुद्दीन में गाटा 222 नवीन पड़ती का गाटा था। यूपी के उन्नाव में बेखौफ दबंगों से परेशान युवक ने अपनी ही मां पर केरोसिन उड़ेल दिया और इसके बाद ही मां को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने वृद्धा को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और पीड़ित युवक ब्रज किशोर मिश्रा ने बताया है कि वो अपनी जमीन पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवा रहा है, जिसका पड़ोसी विरोध कर रहे हैं और शुक्रवार को युवक अपनी जमीन पर नींव खुदाई कराकर कार्य शुरू कराया और जिसके बाद पड़ोसी दबंगों ने युवक और उसकी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे परेशान बुजुर्ग महिला वहीं आपको बता दें कि नींव पर लेट गई और पीड़ित लगातार दबंगों बचने के लिए ही पुलिस से गुहार लगाता रहा, पर बेटे द्वारा अपनी ही मां पर केरोसिन डालने का जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो आसीवन थाना पुलिस बता दें आपको कि थाना प्रभारी के हाथ पांव फूल गए हैं और इसके साथ ही बता दें आपको कि पीड़ितों के पीछे पीछे एसपी ऑफिस पहुंच गए और वही गंभीर हालत में बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? ब्रजकिशोर मिश्रा। आज आप एसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला हुआ था? सर विवाद जमीन है, मैं आवास बिका, अपना आवास हमें मिला, मुख्यमंत्री वाला आवास मिला हमको, तो उसका निर्माण करा रहे थे, वो सारी जमीन हमारी थी, दबंग लोग अहर बगल में रहते हैं, वो दबंग लोग अहर लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ तुम कार्य नहीं करा सकते हो। उसी चल के हमारा उनका थोड़ा बहुत विवाद हुआ, उसके बाद माता जी ने वो नींव खोद रहे थे तो माता जी ने कहा अब यहाँ नींव नहीं खुदेगी, माता जी वहाँ लेट गए, उसके बाद उनकी सब औरतें माता जी को मारने लगी, हमें भी मारपीट करने लगी, मारा है, इसीलिए हमें एसपी ऑफिस से आए गुहार लगाने के हमारा न्याय। कासगंज जनपद की ही तीर्थ नगरी सोनो नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। हड़ताल से एक दिन पहले ही गुरुवार को सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने ईओ को ज्ञापन देकर अपनी मांगों के बारे में अवगत भी कराया था। आपको बताते चले इसको लेकर पदाधिकारियों ने ईओ को ज्ञापन देकर अपनी मांगों के बारे में इसको अवगत भी कराया गया है। तो कासगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर अनिश्चितकाल काम बंद हड़ताल जारी है। आज नगर पालिका में बैठे हैं कि क्या आपकी हमारी मांगों को लेकर है धरना प्रदर्शन, जो कि मांगे पूरी नहीं हुई, 6 माह का आउटसोर्सिंग का कर्मचारियों का वेतन है
अंड बोनस पीएडीए जो भी है और सेफ्टी किट नहीं है, बीमा नहीं है इनके पास और ये भूखे मरने की कगार पर है इस समय और ये नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है हमारी, इसीलिए हमने हड़ताल करी है। बलरामपुर से खबर है जहां जिले की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है और पढ़ाई की जगह यूपीएस के बच्चे स्कूल में काम करते दिखाई दे रहे हैं। छात्रों से ठेकेदार द्वारा बाउंड्री में ही लगने वाली ईंट साफ करवाई जा रही है, जिसके बाद से ही ईंट सफाई करते हुए बच्चों का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गेंसी शिक्षा क्षेत्र के ही यूपीएस कड़हवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर छात्रों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। झांसी में गरोठा तहसील क्षेत्र के ग्राम धमनोड़ में ही अपने फूफा के यहां मजदूरी करने आया दिलीप कुमार पूर्व ही हरिपाल निवासी ग्राम बरहरा तहसील सरीला और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला हमीरपुर मकान निर्माण का कार्य कर रहा था और इसी दौरान वो निर्माणधीन मकान के पास से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया है और अचेत हो गया, जिसके बाद आनंद फानन में ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय ले जाया गया है जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी जब उसके परिजनों को दी गई तो मृतक के घर में कोहराम मच गया। घटना से पूरा परिवार सदमे में है और मृतक के परिवार में पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। बसोमी गांव में ही कल कुएं में एक नवजात शिशु मिला है जिसे 108 एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसफतुर में ही भर्ती कराया गया है। बताते चले आपको कि पूरा मामला जनपद बदायूं के फेजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के बसोमी गांव का है जहां पर गांव के समीप एक गहरा कुआं है जिसमें कुएं से नवजात शिशु की आवाज आ रही थी और तभी गांव वालों ने कुएं में देखा तो उसमें नवजात शिशु चीख पुकार कर रहा था। तभी ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और वही 108 एम्बुलेंस द्वारा नवजात शिशु को आसफपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जहाँ बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है और डॉक्टरों की देखरेख में भर्ती है। एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस द्वारा एक नवजात शिशु हमारे अस्पताल में लाया गया जी। शिशु जीवित अवस्था में था जी। एवं परीक्षण के बाद वह स्वस्थ पाया गया जी। अभी फिलहाल हमने शिशु को अपनी देखरेख में रखा हुआ है जी जी। जो भी उसकी यथासंभव जरूरतें हैं जी। उन्हें हम पूरा कर रहे हैं जी। क्या नाम आपको? सोमपति। कहाँ की जाने वाली है? बसोमी की। क्या घटना हुई थी आपके गांव में? क्या हुआ था आपके गांव में? हमारे गांव में सब कुछ बच्चा जा रही है हमारी कुएं में, हमारी जगह में। अच्छा, आपकी जगह में डालो था? हाँ, और हमने वो फिर बच्चा रो रहा, हमने देखो ढकते कुआ में को, तो हमने अपने लड़का से कई धान को ला रहे हैं, लेवाते हैं, हमने लेकर वहां जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।